guys a very warm welcome from Delhi. तो अभी बजे हैं वो देखिए सुबह के 4:15 बजे एंड अभी हम नींद से जाग गए हैं क्योंकि आज आगरा जाने का प्लान है. तो हमारा ट्रेन करीब 6 बजे को है तो जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा. तो रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं एंड उसके बाद जाते जाते आप लोगों से बात करते हैं. ठीक है, चलिए बने रहिए एंड बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मस्ती आने वाला है. तो वीडियो को पूरा देखिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड. We have just reached New Delhi station and here is the Vande Bharat Express which is headed to depart from Varanasi at 6 AM and our train jo Bhopal Shatabdi hai wo kareeb jayega ek number platform se. to hum log abhi ja rahe hain ek number ki or. to yahan par Pishi khada hai, thoda sa tabiyat uska kharab hai and samne ki or Pisho ja raha hai. to chaliye escalator pe chadhte hain and जस्ट अबाउट टू एंटर इन द ट्रेन. अभी टाइम है 15 से 20 मिनट एंड अभी टाइम अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो भीड़ ख़त्म होने दीजिए फिर हम लोग चढ़ते हैं. जस्ट एंटर इन टू द ट्रेन एंड अभी तो बैठे हैं दोनों. तो करीब हमको हम 8 बजे करीब 8 बजे हम लोग आगरा कैंटोनमेंट उतर जाएंगे. तो अभी बात नहीं करते हैं, जब लोग में खाना बना है और आप लोग होते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि पूरा सा ठीक तरह से नहीं हुआ. ठीक है, तो चलिए बने रहिए स्टेशन. सो वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन एंड द ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट्स. तो अभी नेक्स्ट स्टॉप पे जाएगा मथुरा पे जो है करीब 137 किलोमीटर. तो करीब हमको 1.25 घंटा लगेगा. तो तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं. उसने वेज और रखा, वेज में दो क्या कटलेट कटलेट टाइप्स कुछ रहते हैं. तो इसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप लोग पहले देख चुके हैं. तो चलिए मैं जल्दी से खा लेता हूँ. सो जस्ट रीच आगरा कैंटोनमेंट एंड अभी यहाँ से ट्रेन अभी खड़े हैं. तो हम लोग यहाँ से जाएंगे टुवर्ड्स बाहर, पहले निकले एंड बाहर निकलने के बाद देखेंगे क्या जाएंगे. तो आगरा ताजमहल शायद कुछ देर बाद जाएंगे, अभी थोड़ा सा काम है तो पहले फ्रेश में सो लेते हैं एंड उसके बाद जाएंगे. तो चलिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं क्या करते हैं. इंटर फतेहपुर सिटी पर एक प्रॉब्लम हो गया कि हमारा जो यहाँ पर जो कार है उसका टायर पंचर हो गया. तो स्टेपनी लगा रहे हैं एंड अभी हम लोग अंदर जाएंगे
अभी तो उधर जाने के लिए बस है, तो फोटो शूट कर रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं बस की ओर, ये बोले ना बस की ओर जा रहे हैं एंड बस पकड़ेंगे, उधर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर जाके जो भी है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा वगैरह सब वो देखना पड़ेगा। उल्टा पास जा रहे हैं इसकी फतेहपुर सीकरी का गोशाला, लोग भूल लो ना, लोग बड़ा पड़ी चले बोते हो जब बाउंड चले बोते हैं गाइड लग रहा दादा ना ना इतना गाइड तो इतने किसी बुझते बाग है ठीक है गाइड तो भालक बोलो भी है ऐसे लोग सब बाबूनी बाबूनी इधर है दूर इधर है दूर इधर है दूर इधर है बाबूनी कोई दूर है बाड़िया राज बाड़िया गुरु बाड़ी गाइड भालक गुरु बुझे It was built by Emperor Akbar for celebrating his son. মুড়ে গেছে পাগলা করে দিচ্ছে বুড়া বুড়ি ওখান থেকে একটা স্টেপে তো উপরে উঠে যেত কোয়াইট সিমিলার টু কাটতো না এই এইদিকে কোনা বাবু ছোট বেড়ে বকছে বাড়ি বেড়া দাঁড়া আর 15 মিনিট দাঁড়াবে গাইড নিয়ে বোকা না তুমি বক্তব্য কেন তুমি চলো না ঠিক করেছো ছবি তুলতে গেছে হ্যাঁ তোমার তো দ্বিতীয় কথা হলো তোমার বাবা তো বাংলাদেশে প্রচুর জমি ছিল তোমাদের বংশের রাজবংশের ছেলে ছেলে মেয়ে পুরো ওপেন জায়গাটা তুলবো না পুরোটা চলো চলো তুমি চলো তুমি তোমার চলো না হ্যাঁ আমি দেখবো তো যাচ্ছি ভিতরে Von Akbar hat das Taj Mahal zu Bau এরিয়াটা বহুত বড়
কিলোমিটার সে যা এরিয়া বললো না, তো রাউন্ড রাউন্ডটা তো করতে হবে, চারি সার্কেলটা নিয়ে নি। This is Jodhabai's palace. अभी हम अंदर जा रहे हैं। Look at the view, man. चलूँ फिर बड़े भाई 10 रुपए में? नहीं भैया। आपको 15 बिल्डिंग मांग लेगा सी सायरी के साथ, अच्छा लगे जब देना 10 रुपए। दादा छोभी लग गए। हाँ दादा छोभी लग गए। नहीं। इधर से जाएंगे और सुरंग देखते हुए। अनार गली का सुरंग मैं हमको बड़े नहीं लेगा भाई। ना चूता फूल लेना दरगाह की है। नहीं मदरसा ये बिदर से जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं 3 बजे। इधर में कौन सा हेलो आपको एक दो फोटो याद आई सो बड़ा कैमरा अच्छे बनता है, जब तक आप घूमेंगे फोटो बन जाएगा। मैंने देखो आपको फोटो पांच बनता है भाई, दुआ लो ताकि दे दल टूरिस्ट गाइड सो अभी नीचे से है, अभी ये है बुलंद दरवाज़ा, आप लोग देख सकते हैं जो अकबर ने बनाया था गुजरात जीतने के खुशी में। तो ये टोटल 51 स्टेप्स है नीचे से। एंड अभी हमारा जो छोटू लोकल गाइड है तो वो हमको थोड़ा थोड़ा बता रहा था, तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इनके बेटे बोले थे कि अल्लाह ताला मुझको जबान दे, मैं अब्बू खान से दो बात कर सकूँ। अल्लाह ताला उनको जबान दी और 6 महीने की उम्र में कहने लगे कि अब्बू खान होते हैं कि फ़कीर आदमी है, फ़कीरों का होता है दुआई करने का। शहर से आते फ़कीरों काम तो बड़े भाई दुआई करने का रहता है, इतना कि का बच्चा पर्दा खा गया। पर्दा समझे अकबर को 9 महीने बाद औलाद हुआ, नाम पे नाम गया बाबा को सलीम, प्यार में बोलते थे उसको शेखू बाबा, राजगद्दी पे तो उसका आपका जहांगीर सलीम मतलब जहांगीर। वो अंदर जाते हैं बड़े भाई, तो रुपया पेशा परिषद का आदमी होता है ना, कोई फकीर बैठता ना सोना चांदी दान होता है। अंदर जो जाते हैं अपने परिवार का नाम लेके अपने नाम लेके पहले चादर छुड़ाते हैं, उसके ऊपर फूल डालते हैं। आपका जो भी मालूम है अपनी चादर से 3 बार दाहर टच करता है जब जालियाँ बांधते हैं। बाबा की 3 साइड में जालियाँ है, एक एक गार्ड बांधता है एक मानो, दो गार्ड बांधता है दो मानो, 3 गार्ड बांधता है 3 मानो। दिस इज जामा मस्जिद। हाँ जी एक तरह से पूरा कागज छिड़े गई दरगाह।
सो आप लोगों ने देखा, जितना हो सका मैंने कवर किया एंड छोटू गाइड ने हमें बहुत अच्छा ही दिखाया। तो दरगाह नहीं गए क्योंकि उसके लिए बहुत शायद बहुत पवित्र होना चाहिए, मैं खुद को उतना नहीं मानता हूँ तो इसलिए नहीं गए। और अगर कुछ भी करना हो तो दिल से करना चाहिए, तो मेरा दिल से मुझे इजाज़त नहीं दिया जाने को क्योंकि बहुत सारा रिचुअल्स होता है, वो मैं करना नहीं चाहता था तो इसीलिए मैं नहीं गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो भी आगरा जाने का प्लान है तो चलिए चलते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड।